श्रीमती सविता कोविंद जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय राज्य मंत्री रेलवे और टेक्सटाइल श्रीमती दर्शना जरदोशी, प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्री नीलकंठ तिवारी जी, उपस्थित सभी साधु संतों, महानुभाव देवियों और सज्जनों, अयोध्या की पावन धरा पर अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव के शुभारंभ के अवसर पर हम सभी के बीच उपस्थित देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी एवं देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। यह हम सभी के लिए गौरव का क्षण है जब देश के माननीय राष्ट्रपति के कर कमलों से इस अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ और विकास योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। भारत की गौरवशाली आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाली अयोध्या प्राचीन काल से ही धर्म और संस्कृति की परम पावन नगरी के रूप में संपूर्ण विश्व में विख्यात रही है। सनातन धर्म परंपरा में वैष्णव उपासना को सबसे बड़े प्रतीक और त्रिदेवों में विष्णु के अवतार भगवान राम की जन्मस्थली होने का सौभाग्य भी इस नगर को प्राप्त है। यह अयोध्या के लिए अत्यंत गौरव की बात है कि अवधी साहित्य के सबसे लोकप्रिय ग्रंथ रामचरितमानस का लेखन भी अयोध्या धाम में संपन्न हुआ था। देश के सांस्कृतिक मानचित्र पर अयोध्या अकेला ऐसा शहर है जहाँ से धर्म और मर्यादा के विभिन्न पंथों और संप्रदायों को मानने वाले लोग मौजूद रहे हैं। इस धरती को जैन धर्म के 5 प्रमुख तीर्थकरों ऋषभदेव, अजीतनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ की जन्मस्थली होने का गौरव प्राप्त है। सिखों के आदि गुरु नानक देव तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने विश्व कल्याण का संदेश यहीं से दिया था। भगवान गौतम बुद्ध ने भी यहाँ कई वर्ष वास किया, बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इस्लाम और सूफी मान्यता के लिए भी यह नगर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार अयोध्या की व्यापक स्वीकारोक्ति और विविध रंगों वाली समन्वयकारी छवि बनती है और इस संबंध में पर्यटन की दृष्टि से अयोध्या का एक विशेष दर्जा भी है जो हर प्रकार के धर्म और मतावलंबियों का आना जाना यहाँ सुनिश्चित करता है। अयोध्या के महात्म व प्रशस्ति वर्धन से इस नगरी के महत्व और लोकप्रियता का स्वयं ही अनुभव हो रहा है। अयोध्या धाम की इसी लोकप्रियता को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रदेश एवं केंद्र सरकार संकल्पित है। इसी कड़ी में यह भव्यता के साथ दीपोत्सव मनाया गया। श्री राम मंदिर भूमि पूजन एवं कार्य आरंभ समारोह देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 5 अगस्त 2020 को संपन्न हुआ। इसमें मुझे भी सहभाग करने का सुअवसर मिला था। श्री राम मंदिर के शिलान्यास का साक्षी और सहभागी होना बहुत ही गर्व की बात है। भगवान श्री राम की महिमा और महत्ता से जुड़ा